हेलो फ्रेंड्स, तो एक्चुअली अभी थोड़ा टाइम पहले 8 मार्च को हमने सेलिब्रेट किया है इंटरनेशनल वीमेंस डे। तो उस टाइम तो मुझे टाइम नहीं मिल सका कि मैं कुछ कह सकूँ, और उस टाइम हमारा कैंप लगा हुआ था तो मैं उसमें बिजी थी, इस वजह से ब्लॉग्स भी नहीं आ रहे थे। तो मैं एक बात कहना चाहूँगी, मतलब मैंने वैसे कहा जाता है यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, अर्थात जहाँ नारी की पूजा होती है वहाँ ईश्वर निवास करते हैं। इस बात को आपने किस पहलू से सोचा है? जहाँ नारी की पूजा होती है, इसे इसका तात्पर्य क्या है? नारी को अब फूल, अच्छत, चंदन, दीप से पूजा करने का नहीं है। पूजा करते हैं हम, क्यों करते हैं? पूजा करते हैं हम भगवान को खुश करने के लिए। तो अगर यहाँ पे बोला जा रहा है नारी की पूजा, अर्थात कि हम नारी को खुश रखें, कैसे हम खुश रखेंगे अपने घर के वीमेंस को और औरत को, उनकी रिस्पेक्ट करके, उनकी केयर करके, उनकी वैल्यू करके, उनको उनका हक देके, यही कर सकते हैं ना। तो बस अगर हम उन्हें ऐसे खुश रखेंगे तो फिर देवता वहाँ निवास करेंगे। देवता अगर निवास करें से मतलब यहाँ ये है, यहाँ पे देवता यहाँ पर होते मंदिर में। आपने भी सुना होगा यार, मन बहुत अशांत है, चलो मतलब शांति के लिए मंदिर बहुत आदमी जाते हैं। आप क्यों जाते हो? मतलब शायद ही मैंने अभी तक बहुत कम आदमी देखे होंगे जो वहाँ बस भगवान से चलो ऐसे मिलने का मन कर रहा है तो चलते हैं। फ्रेंड से तो हमें मिलने का मन होता है तो चलो मिल के चले जाते हैं, लेकिन भगवान के पास तो हम किसी न किसी बस पता है काम से ही जाते हैं। तो एक्चुअली यहाँ पर मीनिंग है, मतलब इन माई पॉइंट ऑफ व्यू इसका क्या मतलब है वो तो मुझे नहीं पता, बट हाँ अगर हम अपने नारी की रिस्पेक्ट करेंगे, नारी का मान सम्मान करेंगे तो वो खुश होगी। ऑब्वियसली जब एक घर की औरत खुश होगी तभी घर का माहौल खुश होगा, घर का माहौल खुश होगा, वो अच्छे से मतलब हर एक चीज़ को हैंडल करेगी। बात यहाँ पे हैंडल करने के लिए, जब वो खुश होगी सोचो कि आप खुश होते हो तो आपके आसपास के लोग भी खुश होंगे। आप कभी इरिटेट होते हो, आपका मूड ऑफ होता है तो सामने वाले को भी थोड़ी प्रॉब्लम होती है। तो वही यहाँ पे कहते हैं कि अगर हम अपने मतलब वीमेंस को खुश रखेंगे तो ऑटोमेटिक हम भी खुश रहेंगे। कैसे? घर में शांति बनाई रहेगी, खुशी आएगी, सब कुछ आएगी, सब कुछ मूड पे डिपेंड करता है। तो हैप्पी वीमेंस डे।